हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। गाइस, थल्लापति विजय सर की लियो मूवी इंडियन सिनेमा का एक ऐसा प्राइड बन गई, इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बन गया है कि इससे पहले बड़े से बड़े एक्टरों ने भाई साहब इतना ओवरसीज से इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इकट्ठा नहीं किया जो कि थल्लापति विजय सर की लियो मूवी ने करा है। और गाइस, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो बोल रहे थे ये रिलीज हो जाएगी तो नहीं चलेगी, नॉर्थ में फ्लॉप होने वाली है, ये होने वाली है, वो होने वाली। तो गाइस, उनको ले आओ यार, जरा दो चांटे दूंगा ना तो शायद उनकी मतलब आप समझ ही गए होंगे। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, लियो मूवी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि इससे पहले रॉकिंग स्टार यस सर प्रभास अन्ना, उसी के साथ साथ शाहरुख खान सर, सलमान खान सर, ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है भाई साहब जो कि थल्लापति विजय सर को टक्कर दे सके, एक्टिंग के मामले में भी और स्टारडम के मामले में भी। अपन सबके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसका फाइनल मतलब कि क्या अर्ली एस्टिमेट आया, फाइनल अर्ली एस्टिमेट आया जो कि आपको काफी ज्यादा शॉक्ड करने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ऐसे बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, गली में थोड़ा रश है तो प्लीज उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। गाइस, जो आज मैंने इवनिंग में जो अदर यूट्यूबर आपको अर्ली एस्टिमेट शेयर कर रहे हैं, जो अभी कुछ ही देर पहले अर्ली एस्टिमेट शेयर किए ना, तो भाई साहब यही अर्ली एस्टिमेट एक्सपेक्टेड मैंने आप लोगों के साथ 4 बजे शेयर कर दिया था। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन सिनेमा का एक ऐसा मूवी बन गया है लियो मूवी की इससे पहले किसी भी बड़े एक्टर ने नहीं सोचा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डे वन का जो नियर बाय होने वाला है 145 करोड़ से लेके 150 करोड़ का, तो हाँ भाई, नियर बाय अर्ली एस्टिमेट यही आया है। ऑक्यूपेंसी की मैं अगर बात करूँ ना तमिल स्टेट की गाइस, तो मॉर्निंग में ही जो थी तमिल में 2D में जो ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में गाइस 86.35%, आप देखें 86.35% की ऑक्यूपेंसी थी ओनली मॉर्निंग में। आफ्टरनून की अगर मैं बात करूं 84.58% ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग शोज की अगर मैं बात करूं 85.91% की ऑक्यूपेंसी थी, नाइट शो का अभी नहीं आया। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, लियो मूवी ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। और गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लियो का ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट तो मैंने आपको आफ्टरनून के वीडियो में कहा था, नियर बाय जो आने वाला है 75-80 करोड़ प्लस का आने वाला है, और उसी के साथ साथ ओवरसीज की जो मैंने बात की थी 66 करोड़ प्लस का बताया था, और मैंने जो ऑल वर्ल्ड वाइड की जो मैंने बात की थी 145 करोड़ से लेके 150 करोड़ तक का, और यूएसए का ही जो ओनली आ रहा है गाइस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो का जो आ रहा है वो आ रहा है $2 million+ आ रहा है। आप देखें, ये ऑफिशियली लेवल पे अनाउंसमेंट कर दिया है प्रत्यंगिरी सिनेमाज ने कि लियो की जो प्री सेल्स जो डे वन का जो निकल कर आया है $2 million+ का निकल कर आया है। और रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात कर लूं, तो सबसे पहले मैं फ्लॉप मूवी का नाम बता देता हूं। आपने प्रभास अन्ना सर की आदि पुरुष का नाम सुना है जो कि फ्लॉप मूवी थी 2023 की, जिसका डे वन का जो बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 140 करोड़, यानी कि 140 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। प्रभास अन्ना सर है यार भाई, उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, लेकिन थल्लापति विजय सर ने बीट कर दिया है। अब मॉर्निंग में आने वाला ऑफिशियल लेवल पे जो कि आउटस्टैंडिंग होने वाला है, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो भी नियर बाय ही है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ब्लॉकबस्टर मूवी की, तो जवान का जो डे वन का था 129 करोड़, यानी कि 129 करोड़ प्लस का ही था। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं पठान की, तो 106 करोड़ का डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। तो देखिए, मैंने फ्लॉप को पहले बताया, ब्लॉकबस्टर को बाद में बताया, और गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका जो कल ऑफिशियल जो डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो वर्ल्ड वाइड आने वाला है, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आने वाला 145 करोड़ से लेके 150 करोड़ प्लस का आने वाला है, और मे बी गाइस क्रॉस भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है ओवरसीज में, नॉर्थ में ठीक है कम है ना, प्रमोशन हुआ ही कहां है, फिर भी भाई इतना 2.5 करोड़ की एडवांस सॉरी अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया नॉर्थ से हिंदी बेल्ट का गाइस, तो आप सोच सकते हैं बिना प्रमोशन का इस लेवल का आउटस्टैंडिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस अब देखना यह है कि 7 स्क्रीन स्टूडियो क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला। अब ये जो रिकॉर्ड से
कितने दिन तक चलने वाले और कौन कौन से रिकॉर्ड को बीट करने वाली। ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। बाकी गाइज आप लोग हमें बता, लियो मूवी के फैन बताएं, थल्लापति विजय सर के फैन बताएं कि लियो मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपके क्या ओपिनियन है इसकी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, अर्ली एस्टिमेट के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में। क्या लगता है लियो मूवी का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा क्या? वैसे तो काफी सारी मूवियां अपकमिंग है, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।